हमारी दूसरी वक्ता डॉक्टर अनुराग शर्मा जी को आग्रह करते हैं कि वो आकर इस विषय पर अपनी विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर जी, जय श्री राम। सम्मानीय स्वामी जी, आए हुए अतिथिगण, मंत्री महोदय, वक्ता, सभी वक्ता, श्रोतागण, भक्तगणों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय है वरिष्ठों का सम्मान और संरक्षण हिंदू परिपेक्ष में, तो सबसे पहले श्री गणेश को प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहाँ से आगे ले जाता हूँ। ओम मुदाकर तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोकरंजनम अनायकैकनायकम विनाशिते भदैत्यकम नताशुभाशुनाशकम नमामितं विनायकम। जय श्री गणेश। तो आज का टॉपिक तो आप लोग जान चुके हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और संरक्षण। तो इसमें वरिष्ठ नागरिकों का जो हम लोग विषय में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आता है कि इसके क्या क्या पहलू हैं। तो मैं इसके दो पहलुओं में खाली बात करूंगा, एक तो है धार्मिक और दूसरा है सांस्कृतिक, हम लोग का कल्चर। तो धर्म के विषय, पहले धर्म के बारे में बात करें तो धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल तो है कर्म। कर्म कर्म के आधार पर आपका जन्म होता है, आपका अगला जन्म होगा, आपका जन्म सुधरेगा। तो कर्म का आधार या कर्म का ही आधार है। अब चाहे शिशु हो, वृद्ध हो, युवा हो, अच्छे कर्मों के बिना वो नहीं रह सकता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अब धर्म के विषय के बारे में बात करें तो धर्म क्या है। अब यदि हम लोग देखें कि भाई हम लोग को काम क्या करना चाहिए, सब ज्ञानी मुनि सब लोग तो यही बताते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, ये करो, सब चीज ठीक करना चाहिए। बट यदि हम लोग अपना क्या कहते हैं शास्त्रों का आधार लें, अपने उपनिषद देखें, तो उसमें कहते हैं कि भाई कैसा धर्म करें। तो उसमें लिखा है कि भाई जो लोग सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए पीछे भागते हैं, विद्या के पीछे भागते हैं और या अविद्या के लिए पीछे भागते हैं, दो तरह के लोग हैं। तो जो अविद्या के पीछे भागते हैं उनका तो भंडाधार है भाई, वो तो नहीं सुधरेंगे। और जो लोग विद्या के लिए जाते हैं वो तो और अंधकार में पड़ते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो भाई इंसान करे तो आखिर क्या करें। तो उसमें कहते हैं कि विद्या चा विद्या, विद्या और अविद्या का समन्वय के साथ ही जीवन जिए। अब हम लोग देखें कि हम लोगों का जीवन श्रेणी चार आश्रमों में विभक्त है। पहला दो आश्रम तो अविद्या में बीत जाता है। अविद्या मतलब सांसारिक कार्य, आपको जीना भी है, ये नहीं कि सिर्फ भगवान का यही खैर प्रिंसिपल है कि भाई आप पहले कर्म करें। अर्जुन से नहीं कह दिया गया कि भाई आप जाके स्वामी बन जाइए, आपका कर्म है युद्ध करना, कर्म करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अविद्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्या भी। तो अब शुरू के दो आश्रम है वो तो बीत गए आपके अविद्या प्राप्त करने में, तो जो दो बाकी आश्रम है उसमें क्या करें। चलिए भाई रामायण हो रहा है, चलते हैं, फिर निमोना पियेंगे, बात करेंगे, इधर उधर की चर्चा करेंगे। तो ये विद्या नहीं है, विद्या एक फुल टाइम जॉब है, उसमें ढेर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यदि हम देखें, तो जैसे कि शास्त्र बताते हैं ना, वानप्रस्थ हो गया, तो वानप्रस्थ के लिए पहला चीज क्या है, ग्रेजुअली माया मोह का त्याग करना। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 50 साल बीता, केक काटा, अगला दिन झोरा झंडा लेके वन की ओर चले गए, ऐसा नहीं है। तो ग्रेजुअली, ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या होता है, त्याग करना, सब चीज़ का त्याग करते रहे तभी आप माया से दूर जाएंगे। तो त्याग में एक परिवार का भी त्याग होता है, कहने में कठिन लगता है बट यही से ही लिखा गया है। वानप्रस्थ वही है, परिवार का त्याग करें, परिवार से मोह होता है और जब मोह का त्याग करेंगे तभी आप ईश्वर से संपर्क कर पाएंगे। तो वो एक चीज़ है। दूसरा क्या है, सिर्फ पूजा पाठ करते रहे नहीं, समाज का सुधार कौन करेगा, समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा। तो ये सब दायित्व वही वृद्धों का जो वानप्रस्थ आश्रम में जा चुके हैं उनका है। तो वे सब एडवाइजरी रोल ले, समाज का सुधार करें, बच्चों को शिक्षा दें, युवकों को मार्गदर्शन करें, ये सब काम किसका है, जो वानप्रस्थ में जा चुके हैं। और क्या है वानप्रस्थ का मन, तो वानप्रस्थ है वन। सो हम यही सोचते हैं भाई वानप्रस्थ लिखा है जंगल, चले जाए, यहाँ जंगल कहाँ है, हम लोग को तो मार डालेंगे सब।
और हम सवारी भी नहीं हो पाएंगे, तो वानप्रस्थ का एक्चुअली मीनिंग है वन की ओर प्रस्थान, शांति की ओर, तो वन है जो शांति देता है, तो हम लोगों को वानप्रस्थ से शांति की ओर जाना है। तो जैसे हम लोग वानप्रस्थ में प्रथम पांव रखा, तो यानी हम लोग शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये है रियल वानप्रस्थ, तो ये है हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहने में तो बड़ा इसी हो गया भाई, आप वृद्ध हो के चले जाइए, अब जीवन यापन कैसा होगा। तो मैं जो धर्म के विषय में, जो धर्म के बारे में बात है, उस विषय में जरूर बात करूंगा कि हम लोगों के उस समय जीवन यापन कैसा होता था। तो जीवन यापन उस समय होता था भिक्षा से। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे भिक्षा, भीख, तो जो दोनों शब्द बहुत डिफरेंट है, भिक्षा और भीख को कभी एक ना समझिए। भिक्षा का मतलब है यदि आपके योग्यता के हिसाब से आपको कोई दान दिया गया वो भिक्षा है, ये पारिश्रमिक भी हो सकता है, और यदि अयोग्यता के हिसाब से आप पे दया करके कोई दान करता है तो भीख है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, भिक्षा और भीख। अब भिक्षा की महिमा पे थोड़ा और हम लोग डिटेल में जाएं, तो भिक्षा का लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आपको जो भी मिला है उसका त्याग पूर्वक भोग करें। यदि आप बिना त्याग किए भोग करते हैं तो यानी आप सिर्फ पाप का भोग करते हैं। तो दान की महिमा का व्याख्यान किया गया है। तो दान का और एक और पहलू देखें, विद्यार्थी लोग, बच्चे हैं, चाहे गरीब घराने के या अमीर घराने की है, दरवाजे पर चले जाते हैं, बहुत ही भिक्षाम देही। ये क्यों क्यों भिक्षा, क्या उनका उदर पूर्ति नहीं होता था? एक भिक्षा के कारण मानने से वो विनम्र बनते हैं, तो इसका दूसरा पहलू है विनम्र बना। तो दान की महिमा के तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और अब हम तो वानप्रस्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ दान लेते रहेंगे, सब चीज लेते रहेंगे क्या? तो उनका काम है, दान तो लिया लेकिन उसके बदले में विद्या का दान दिया, मार्गदर्शन का दान दिया। कहते हैं ना कि अन्न दानम परम दानम विद्या दानम अति परम। अन्न दान तो है वो बहुत अच्छा दान है, उससे आपका क्षणिक तृप्ति होती है, लेकिन जो विद्या दान है वो तो जीवन भर के लिए आपको तृप्ति देता है। तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप उठाने के लिए तत्पर हैं? ये जो कार्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वानप्रस्थ में आश्रम में गए हुए व्यक्तियों का है। तो खैर ये तो सब रहा एक जनरल बात, बट ओवरऑल जो क्या है, यदि आप देखें हम लोग का सामाजिक परंपरा, तो एक संपूर्ण जीवन होता है। आप बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करिए, जवान हुए एंजॉय करिए, ये नहीं लिखा है कि आप साधु बने रहिए। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम कहा गया है, उसको किस तरह से आपको संभालना है वो करिए। जब सब चीज हो गया है, मन शांति हो गया है, तब आप विद्या की ओर जाइए। अविद्या प्राप्त हो गया, अब विद्या की ओर। तो और इस तरह से समाज एक दूसरे का सपोर्ट करता था। आप बच्चे हैं, आपका सपोर्ट माता पिता कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम वाले कर रहे हैं, वे आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। वृद्ध आश्रम वालों का कौन मार्गदर्शन कर, मार्गदर्शन नहीं, उनकी सहायता कौन कर रहा है? समाज के बाकी वर्ग, वे उनको दान देते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के पूरक होते थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते थे वे लोग। तो बहुत अच्छी परंपरा थी और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। यदि आप देखें हम लोगों का क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम, बाद में तो खराब हो गया, बट यदि इसका एनालाइज करें तो कास्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा के लिए बनाया गया था। आप जो जो जिस योग्य है वही कार्य करें, एक दूसरे के सपोर्ट करें, तो इससे पूरा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति सब चीज़ नहीं कर सकता है, उसकी कुछ योग्यता है, यदि वही करे तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो ये रहा धार्मिक पहलू। सांस्कृतिक पहलू देखें हम लोग का कल्चर पहलू, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब रीज़न क्या है, भारत तो गुलाम रहा, तमाम विदेशी आक्रमण है, तो उनके साथ रहना हुआ, उनके तौर तरीके अपनाने हुए, तो ये सब जो हम लोग की परंपरा थी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब ऐसा नहीं होता था, तो उसमें जो हम लोग के पारंपरिक जीवन मूल्य थे वे नष्ट हुए, और जो समाज के जो अथॉरिटी में थे उन लोगों को ईजी लाइफ चाहिए था। तो ईजी लाइफ चाहिए तो उन्होंने अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए। थोड़ा कड़वे शब्द है लेकिन ऐसा होने लगा। जो धर्म के बात था वैसा नहीं होता, लोग अपना इजी लाइफ देखने लगे। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, किस लिए? शारीरिक सुविधा चाहिए भाई, इजी लाइफ चाहिए। जितना इजी लाइफ चाहिए तभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते जा रहा है, तो इवॉल्व हो रहा है सब चीज। किस लिए? शारीरिक सुख के लिए, बट आत्मा की सुखी के लिए उसके लिए तो रिवोल्यूशन हो रहा है। तो अभी ना ज्ञान है, ना संस्था है इस तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये एक गंभीर विषय है जो हम लोगों का सांस्कृतिक पहलू है।
So, यदि लेकिन ये चीज भी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी लोग चुप बैठे हैं. भारत में आप देखेंगे तो इस तरह के वानप्रस्थ आश्रम खोले गए हैं. भारत के कई वृद्धजन और लोग यहाँ जानते होंगे कि वहां पे वानप्रस्थ आश्रम सिस्टम है. तो वानप्रस्थ आश्रम और आउर पीपल्स में डिफरेंस क्या है? वानप्रस्थ आश्रम में धर्म संगत, धार्मिक कार्य होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होता है. मौन कैसे रहते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं, स्वाध्याय कैसे है, ये सब विद्याएं कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो सब की ट्रेनिंग होती है. तो वो है वानप्रस्थ आश्रम, रियल वानप्रस्थ आश्रम. वहां जाने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका कंपनी अच्छा है, आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, दैट्स गुड इनफ. तो ये है आजकल की परंपरा. तो इसका सीधा साधा सोल्यूशन तो अभी तो हमारे पास नहीं है. तो हमारे मंत्री महोदय है या पूंजीपति लोग है, यदि सब लोग मिल के इस तरह का कुछ सिस्टम चालू करें तो ऐसा कुछ हो सकता है. तो मंत्री जी की ओर भी मेरा संकेत है. तो लेकिन इससे क्या है, तो हम अपने माता पिता की ओर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ झाड़ लें क्या? ये है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. मार्कंडेय जी ने तो पूरा अपना वक्तव्य इसी पे कहा है कि भाई माता पिता का कितना इम्पोर्टेंस है. तो भाई माता पिता का ऋण कभी नहीं मुक्त हो पाएगा. पितृ ऋण कहते हैं, बट पितृ ऋण का दूसरा मीनिंग होता है. पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, पितृ ऋण उसमें डिफरेंट मीनिंग है. बट जो माता पिता का ऋण है उसे आप कभी नहीं मुक्त हो पाएंगे. तो यदि माता पिता की दुर्दशा है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके है. आप क्यों नहीं उसको देख पा रहे हैं? याद रखिए खाली यही जन्म नहीं है, कई जन्म आएंगे. उस जन्म में आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा. तो बी वेरी केयरफुल कि भाई अगला जन्म आपका मनुष्य का ही भी होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो ना. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो लेकिन वृद्ध लोग तो जैसे भैया जी ने बहुत अच्छा से बताया कि भाई आशा नहीं करें, उस बच्चे का कर्म वो जाने, आप अपना कर्म करें. इतना जरूर याद रखें कि किसी भी स्थिति में यदि आप किसी को कुछ देने योग्य है तभी आपका सम्मान है. आज आप किसी को कुछ देने योग्य नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आएगा. तो हमारे कुछ गांव वाले लोग ऐसे बोलते थे कि भाई बुरी हालत हो तो कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आता आपके आंगन पर. तो क्रूर शब्द है लेकिन ऐसी ही बात है कि जब आपका दिन खराब हो, आप किसी को कुछ देने लायक नहीं होते हैं तो कोई नहीं पूछता है. तो किस तरह वृद्ध लोग क्या करें? कई तरीका है भाई, अपना धन संचय करें, ज्ञान संचय करें. ज्ञान एक ऐसा चीज है जो अमूल्य है, जो कभी नष्ट नहीं होगा. तो ज्ञान बढ़ाएं. ज्ञान आपका है तो सम्मान है, क्योंकि जिसके आयु बढ़ी है ज्ञान बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है तो सम्मान का अधिकारी होता है. सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी होगी उसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब शास्त्र जैसे क्या कहते हैं, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वय विद्या प्रतिपत्तये आद्या हस्य विद्योते द्वितीया त्रयते सदा. विद्या तो दो तरह की होती है. विद्या हम जनरल में बात कर रहे हैं तो दो तरह के हैं, शस्त्रस्य और शास्त्रस्य. जनरल के आजकल के दौर पे यदि इसका मीनिंग ले तो एक है आप विद्या ध्यान, ज्ञान के बारे में भगवान की ओर अप्रोच करने का बात करते हैं, और दूसरा है भाई आपका लिविंग का. तो आपका लिविंग रिटायरमेंट के बाद जो आपका ट्रेनिंग हुआ उसके बाद उसका वैल्यू फिनिश हो जाएगा, फिर आप नहीं काम कर पाएंगे. लेकिन जो रियल ज्ञान है भगवान की ओर पहुंचने का, वो हमेशा के लिए और रहेगा. तो विद्वानों के बीच में किसी भी स्थिति में आप हमेशा इज्जत के अधिकारी रहेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस ज्ञान को कैसा ले. अब ऐसा तो नहीं है कि भी 50 साल का उम्र हुआ, एक बटन दबाया, आप में सब चेंजेस अचानक से आ गया, आप ज्ञान के पीछे भागने लगे, ऐसा तो होता नहीं है. तो ये तो ट्रेनिंग शुरू से देना चाहिए कि भाई लड़का है, ट्रेनिंग देना शुरू कर दे. तभी बड़ा होगा तो जानेगा कि भाई मुझे किस मार्ग में जाना है और किसको कैसा मुझे मार्गदर्शन करना है. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत कड़ा हो जाएगा. अब इसी बात पे मुझे एक अपने पिताजी की कविता याद आ गई. वे हमेशा गुनगुनाते थे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय में खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कल काल को ठार लिए फिरता, तनु नर्म पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली. तो भाई ये ट्रेनिंग आपको हमेशा से करना होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा. और यहाँ तक कि चाणक्य जी ने कहा है, माता शत्रु पिता बैरी, ये इन बालों ना पाठी. तो माता पिता तो उस बच्चे के शत्रु हैं जो उसको अच्छी ज्ञान नहीं देते हैं. तो ये माता पिता का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले बच्चे को उस योग्य बनाए कि वो आपका देखभाल कर सके. इस इंटेंशन से नहीं कि वो आपको देखना है, बट आपका कर्तव्य है कि भाई उसका जीवन अच्छा हो. तो आप इस तरह देखें कि एक दूसरा का सहारा बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है,
कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जन्म आपका किस तरह हो, कैसा हो, आप नहीं छुआ है। हम लोग कर्म करते होता क्या, ये सिस्टम चलता कैसे है? यदि आप देखें तो हर किसी जीव में आत्मा है। तो आत्मा क्या है? एक काइंड ऑफ अ बैटरी है। आप मोबाइल में चार्ज नहीं करेंगे क्या होगा? बैटरी नहीं चलेगा, तो मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन उसका बैटरी निकाले, कोई छोटा मशीन चला, वो चलने लगेगा। फिर यदि बंद हो गया तो और छोटा मशीन चला, चलने लगेगा। तो वैसे आत्मा है, अच्छे कर्म करेंगे रिचार्ज होते रहेगा, और जब बुरे कर्म करेंगे रिचार्ज होते होते इतना खराब हो जाएगा कि ह्यूमन बैटरी ह्यूमन टॉय में नहीं लगेगा। तब आपको बोलेंगे अच्छा कुत्ता के में लग जाएगा, तो आपका नेक्स्ट जन्म होगा कुत्ता का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटरी को रिचार्ज करते रहिए। और मोक्ष कब प्राप्त होगा? यदि एक बैटरी बहुत हाईली चार्ज है तो यदि आप किसी में लगाएंगे तो खिलौना तो दग जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिकली भी देखिए, यदि आप इतना सुपरचार्ज कर दिए अपनी आत्मा को कि शरीर ही नहीं मिल सकता आपको। कृष्ण भगवान ये सब इसी तरह आए थे कि उनको कृष्ण भगवान कैसे आ गए, उनके शरीर के लिए तो आत्मा चाहिए। तो सोच खोजा खोजा तब उन्हें नर और नारायण की आत्मा मिला, कि नर और नारायण की आत्मा इतने ये लोग शक्तिशाली कर लेते कि वे महापुरुषों के शरीर में आए। तो जो कृष्ण भगवान है तो नर नर का शरीर लेकर आए हैं। तो सुपरचार्ज करिए भाई, नो आप नहीं जानते कि कब भगवान आपको एजेंट के रूप में चूज करेगा और समाज सुधार के लिए भेज देगा। तो ये लोग सेलेक्टेड एजेंट है जो भगवान ने चूज करे हैं। हम लोग के जो कहते हैं उपनिषद में जो पहले पहले मंत्र आते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेवा वशिष्यते, वो पूर्ण है, यहाँ पे संपूर्ण हो गए हैं। उसने अपने छोटे छोटे भाग करके इधर सबको भेज दिया है। अब ये सब हम लोग उसी के अंश है, तब हम लोग एक दूसरे का नमस्कार करते हैं। आपके शरीर को नमस्कार थोड़ी करते हैं, आपकी आत्मा का, वही जो मेरे पास है जो भगवान ने दिया है। तो इसी को यदि आप चार्ज अच्छा से नहीं किया है, कम कर दिया है, तो भाई फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो मैं इसी के साथ यहीं पे समाप्त करूंगा। जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, बहुत ही सुंदर आपने अपने विचार को प्रस्तुत किया। वैसे तो कंप्यूटर